प्लांक ये कहता है, जनरल थ्योरी ये थी कि जो सन से रेज आ रही हैं वो सारी की सारी ना वेव नेचर रखती हैं, वो वेव की फॉर्म में आ रही हैं, समझ में आ गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। जनरल थ्योरी ये थी कि वेव की फॉर्म में आ रही है। जब पार्टिकल नेचर आया तो प्लांक ने, मैक्स प्लांक उनका नाम था, उन्होंने अपनी प्लांक क्वांटम थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, जो सन से एनर्जी के बंडल, सन से जो रेज आ रही है उनके अंदर छोटे छोटे एनर्जी के बंडल है जिनको फोटोन या क्वांटम कहा जाता है, और बहुत सारे बंडल को क्वांटा कहा जाता है, इसलिए उनकी थ्योरी को प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी का नाम दिया गया। तो ये कहते हैं कि आप जब धूप में खड़े होते हो या आप धूप में खड़े हो तो जो सन से रेज आ रही हैं वो ऐसे नहीं कि वेव फॉर्म में एनर्जी लेके आ रही है, ऐसा नहीं है। उनमें छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स है जिनको क्वांटा या क्वांटम कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। अब हर एक छोटे छोटे पैकेट के पास है ना अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने कहा कि उस एनर्जी की वैल्यू होगी E=hν, न्यू माने फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं C/λ, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सी यानी कि इसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट है ना, उसी की स्पीड से आगे बढ़ती है। तो जो लैम्डा की, सॉरी यहां पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू वो C/λ है। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3×10⁸, ये तो बोलते हैं m/s, ठीक है, लाइट की जो स्पीड है। और लैम्डा क्या है, यहां पर लैम्डा बेसिकली उस वेव का वेवलेंथ है, और C/λ की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और h की वैल्यू को प्लांक कांस्टेंट कहा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626×10⁻¹। मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आगे बढ़ रही होती है तो वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट लेके चलती है, हर एक एनर्जी के पैकेट के पास इतनी एनर्जी होती है E=hν, समझ में आ गया। और अगर मान लो कि भैया तुम्हारे पास n मोल्स ऑफ, यहां पर अगर मान लेते टोटल नंबर ऑफ क्वांटा n है, तो आप n से मल्टीप्लाई कर दो टोटल एनर्जी को निकालने के लिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आया समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला फॉर्मूला जो आपको काम देगा, मतलब E=hν और न्यू का वैल्यू होता है C/λ, तो ये दोनों चीजें आपको बहुत काम देगी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में।